हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड एज आई हैव प्रोमिस्ड, मैं आप लोगों के लिए दूसरा ये वीडियो लेकर आई हूँ वोकैबलरी का, जिसमें हम सिचुएशन बेस्ड वोकैबलरी को लर्न करते हैं। मतलब वोकैबलरी को लर्न करने का हमारा जो तरीका है वो सिचुएशन बेस्ड है, कि मतलब हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और उसके बाद में उसमें कौन कौन से वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम पढ़ते हैं और उनका मतलब देखते हैं कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अकम्प्लिस। अब हम एक सिचुएशन को इमेजिन करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड अकम्प्लिस है, उसके लिए हमने एक सिचुएशन इमेजिन की है कि मान लीजिए कि जब बचपन में आप छोटे थे, तो आप लोगों के भाई बहन, छोटे भाई बहन हो सकते हैं या फिर बड़े भाई बहन, मान लीजिए कि बड़े भाई बहन हो सकते हैं, उनको कुछ चुराने की आदत थी। तो मान लीजिए कि वो अपनी आपकी मम्मी के पर्स में से कुछ पैसे चुरा रहे हैं और वो आपको उन्होंने गेट पर खड़ा कर दिया है कि आप देखिए कि मम्मी या पापा में से कोई आ तो नहीं रहा है, तो वो पैसे चुरा रहे हैं। तो थीफ तो वो है, मतलब चोरी करने का काम, तो क्राइम तो उन्होंने किया, लेकिन आपने क्योंकि उनकी मदद की, इसलिए आप जो है वहाँ पर, आप जो वहाँ पर हैं वो अकम्प्लिस है। यानी यू वर नॉट द थेफ्ट बट यू आर अकम्प्लिस। यानी अकम्प्लिस का मतलब हो गया पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अक्यूमुलेशन। अब मान लीजिए कि उन्होंने बहुत पैसे चोरी किए, इकट्ठा कर करके लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर He or she has accumulated a lot of money. मतलब उन्होंने लास्ट तक बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। तो accumulation का मतलब क्या हो गया? Gathering in a large quantity. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? Accumulate कर लिया बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरी सिचुएशन कि मान लीजिए वो जो आपका भाई है वो अब बार बार पैसे चुरा रहा था और आप उसको उसके साथ हेल्प कर रहे थे, ये देखकर कि कोई आया नहीं या जा नहीं रहा, लेकिन आपने कभी चोरी नहीं की। तो आप ये जानते हैं कि आपका भाई बहुत ही दबंग टाइप का है मान लीजिए, और आप ना उससे बहुत डरते हैं, वो जो कहता है आपको उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। लेकिन अगर आपको उससे कुछ काम कराना है तो आप क्या करेंगे? आपके पास अब एक चीज़ है कि आप जानते हैं कि वो चोरी करता है, तो वो उसका वीक पॉइंट है, तो आप उसके वीक पॉइंट पे अटैक कर सकते हैं और उसको एक तरीके से बता सकते हैं कि अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं ये चीज़ सबको बता दूंगा। तो उसका ये वीक पॉइंट है, चोरी करना उसका वीक पॉइंट है। तो एचल्स हील का मतलब होता है, वीक पॉइंट। तो मतलब कि जो द हैबिट ऑफ स्टीलिंग ऑफ योर ब्रदर इज़ अ एचिल्स हील फॉर हिम, उसके लिए एक एचिल्स हील है, उसके लिए ये एक वीक पॉइंट है। ठीक है, अब एचिल्स हील ये एक तरह का ईडियम है और ये रखा गया है एचिल्स के नाम पे। एचिल्स एक रोमन कोई सम्राट था, जो कि रोमन एम्परर था, और उसका जो वीक पॉइंट था वो उसकी हील था। वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही ब्रेव वॉरियर था, वो बहुत अच्छा लड़ाकू था और बहुत अच्छा वो अच्छे से वो जो वॉर वगैरह थे उसके अंदर विक्ट्री हासिल कर लेता था। लेकिन जो उसका वीक पॉइंट था वो उसका हील था, यानी जब उसके हील पे, यानी उसकी एड़ी पे अगर कोई वार करता था, कोई उसकी हील पे अटैक करता था, तो वो हार जाता था। तो उसी के कहानी के ऊपर ये एक रखा गया है, अचिल्स हील एक ईडियम बनाया गया है। अगर आप इसे हिंदू माइथोलॉजी से रिलेट करते हैं तो आप याद कर सकते हैं कि रामायण में रावण जो था वो अजेय था, उसको कोई जीत नहीं सकता था, ही वॉज इनविंसिबल, उसे कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन जब विभीषण ने राम को बताया कि उसका जो अचिल्स हील है, यानी उसका जो वीक पॉइंट है वो क्या है, उसकी नेवल, अगर आप उसकी नेवल में मारते हैं तो वो मर सकता है। तो इस तरह से अचिल्स हील का मतलब हो गया वीक पॉइंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, अकॉस्टिक। अकॉस्टिक ये एक तरीके से आप इसे रूट वर्ड मान सकते हैं, और अकॉस्टिक का मतलब है रिलेटेड टू साउंड।
अब अगर इसी में एस और लगा दें हम, अकोस्टिक्स, अकोस्टिक्स, तो अकोस्टिक्स का मतलब हो जाता है साइंस डीलिंग विथ साउंड, डीलिंग विथ साउंड, ठीक है। तो अकोस्टिक का मतलब, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपने पीवीआर प्रिया के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे जो सिने गोअर्स हैं उन लोगों को वहाँ जाना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड है ना वो अकोस्टिक है, वहाँ पे जो साउंड है वो अकोस्टिक है। अकोस्टिक मतलब वो जो साउंड है वो नेचुरल, नेचुरली वो बहुत ही अच्छी साउंड है, नेचुरल साउंड है वहाँ पे जो साउंड आती है वो बहुत ही अच्छी साउंड है नेचुरली। और वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती वो साउंड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अकोस्टिक का मतलब नेचुरल साउंड, ठीक है। तो अकोस्टिक वर्ड हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, एक्रिड, सॉरी द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिड। एक्रिड का मतलब होता है अजीबो गरीब, एक्रिड का मतलब होता है अजीबो गरीब। मान लीजिए कि आपने पॉलिटिशियंस के बारे में सुना है, पॉलिटिशियंस को आप सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिशियंस की आदत क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर एक्रिड रिमार्क करना, यानी अजीबो गरीब, या एक तरीके से कहें कि ऐसा रिमार्क जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होता है, बहुत ही ऐसा गुस्सा दिलाने वाला, यानी एक्रिड का मतलब हो गया गुस्सा दिलाने वाला, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, एक्रिड का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प रिमार्क एक तरीके से एक्रिड मान सकते हैं आप। रिमार्क तो मैंने आपको जो पॉलिटिशियन का एग्जांपल दिया है उसी के लिए, बाकी आप एक्रिड का यूज़ कहीं और भी कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो टबैको और जो कह सकते हैं कि जो सिगरेट वगैरह इनकी स्मोक से उनको बहुत एलर्जी होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो दे फाउंड द स्मेल ऑफ टोबैको, दे फाउंड, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि दे फाउंड या दे फाइंड the smell of tobacco acrid, यानी उन्हें जो स्मेल लगती है वो टबैको की, वो एक्रिड फील होती है। एक्रिड यानी शार्प और स्ट्रॉन्ग और कैसी अजीब सी, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो स्टिंगिंग होती है, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग सेंसेशन क्रिएट करने वाली, स्टिंगिंग सेंसेशन, स्टिंगिंग सेंसेशन क्रिएट करने वाली इसकी साउंड होती है, ठीक है। तो एक्रिड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। तो जैसे मैं आपको पॉलिटिशियंस का एग्जांपल दे रही थी, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस दे मेक, पॉलिटिशियंस मेक एक्रिड रिमार्क्स, रिमार्क्स अगेंस्ट द ऑपोजिशन, ठीक है, एक्यूरेट रिमार्क्स वो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एक्रीमोनी। अब जैसे एक्रिड को हमने याद किया पॉलिटिशियन से कि पॉलिटिशियन एक्रिड रिमार्क्स करते हैं, तो उस एक्रिड रिमार्क से पार्लियामेंट में क्रिया क्या क्रिएट हो जाती है, एक्रीमोनी क्रिएट हो जाती है, एक्रीमोनी। तो एक्रीमोनी को हमने जैसे एक्रिड से रिलेट किया, उसका मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे, कि वहाँ पे लड़ाई एक तरीके से क्रिएट हो जाती है, यानी एंग्री वर्ड्स या बिटर वर्ड्स की वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, लड़ाई क्रिएट हो जाती है, यानी एक्रीमोनी का क्या मतलब है, क्वेरल्स, सॉरी, क्वेरल्स, ठीक है, वहाँ पे क्वेरल्स क्रिएट हो जाती है, एक्रीमोनी क्रिएट हो जाती है एक्रिड रिमार्क्स की वजह से, पॉलिटिशियन के एक्रिड रिमार्क्स की वजह से एक्रीमोनी, यानी उनकी वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, बिटर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक्रीमोनी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो एक्रीमोनी का मतलब, हमने कि हम पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो गोइंग ऑन है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उसे टेलीकास्ट किया जा रहा है, किसके ऊपर, उसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, AIR, एयर,
AIR को क्या बोल रहे हैं हम, एयर, यानी ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ पे हमने ऑल इंडिया रेडियो को एक दूसरे वर्ड, शॉर्ट वर्ड या इसके एब्रीविएशंस मान लीजिए लिखा है हमने AIR या एयर, तो ऐसा एब्रीविएशन जो कि खुद एक वर्ड बन जाता है, एयर एक वर्ड बन गया जिसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो ऐसा एब्रीविएशन जो कि एक वर्ड बन जाता है उसे हम कहते हैं एक्रोनिम। जैसे कि और हम कहें सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सेल हो गया, या और हम तो सेल के अलावा आप देख सकते हैं कि बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी एक तरह का एक्रोनिम हो गया, क्योंकि ये भी एक ऐसा एब्रीविएशन है, एक ऐसा एब्रीविएशन है जो कि हम एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो ये भी एक क्या हो गया, एक्रोनिम हो गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बार बार जिसे हम वर्ड की तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए लिख रहे हैं BBC, अब बताइए आप BBC, इसे हम अलग अलग बोल रहे हैं, इसको ये जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन BBC इसको हम देखिए अलग अलग बोल रहे हैं, BBC, तो ये एक एक्रोनिम नहीं है, ये सिर्फ एब्रीविएशन है, ये एब्रीविएशन तो है बट एक्रोनिम नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए एक्रोनिम का क्या मतलब होता है, एक्रोनिम का मतलब होता है ऐसे एब्रीविएशंस जिनको कि हम एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन चल रहा है वो सेशन पूरा एयर हो रहा है, यानी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है, और जो उन्होंने अनाउंस किया है वो अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द बोर्ड का मतलब हो गया दैट इज़ इफ़ेक्टिव फॉर पीपल एट एवरी लेवल, दैट इज़ इफ़ेक्टिव फॉर पीपल एट एवरी लेवल, यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने पे राइज अनाउंस किया है, मान लीजिए उन्होंने कोई पे कमीशन लगाया, जैसे 7th पे कमीशन लगा दिया या कुछ भी 6th पे कमीशन लगाया, तो उन्होंने जो पे कमीशन लगाया है वो अक्रॉस द बोर्ड है, यानी सभी के लिए, सभी जो हर लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर, हर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के ऊपर वो क्या है, लागू हो गया है, यानी अक्रॉस द बोर्ड का मतलब हो गया दैट इज़ इफ़ेक्टिव फॉर पीपल एट एवरी लेवल। तो यू कैन से, इसे हम ये लिख सकते हैं कि द पे राइज, मान लीजिए जब हम पे राइज की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं द पे राइज विल बी अक्रॉस द बोर्ड, यानी सभी के लिए क्या हो जाएगी, वो इफ़ेक्टिव है हर लेवल के लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि जैसे वो पार्लियामेंट के अंदर ये बहस चल रही थी और गवर्नमेंट ने ये पे राइज जो है वो अनाउंस कर दिया है, लेकिन ऑपोजिशन अभी भी ये कह रहा है कि ये जो पे राइज उन्होंने किया है ये एडिकेट नहीं है, एडिकेट मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट को अपोज कर रही है ऑपोजिशन पार्टी और कह रही है कि ये सफिशिएंट नहीं है, यानी इनफ नहीं है, ये है ना, इस तरह से कह रही है कि ये इनफ नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ऑपोजिशन क्या कह रही है कि द पे राइज इज़ नॉट एडिकेट, ठीक है। तो एडिकेट का मतलब क्या हो गया कि पर्याप्त नहीं है, सही मात्रा में नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो नाउन जिसके लिए हम एडिकेट वर्ड का यूज़ करते हैं वो प्लूरल होता है, अगर एडिकेट का यूज़ हम प्लूरल नाउन के लिए करते हैं तो हम उसे एडिकेट नहीं लिखेंगे, और एडिकेट की जगह पे क्या लिखेंगे, हमेशा इनफ या सफिशिएंट ही लिखेंगे, यानी प्लूरल नाउन के लिए आप कह सकते हैं कि एडिकेट का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि देयर आर नॉट एडिकेट रूम्स फॉर एवरीवन,
क्योंकि यहाँ पे हम जो है एडिकेट का रूम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्लूरल नाउन है, रूम्स क्या है प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे इनफ या सफिशिएंट, देयर आर नॉट सफिशिएंट रूम्स या देयर आर नॉट इनफ रूम्स फॉर एवरीवन टू स्टे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब एडिकेट का यूज़ अगर हम क्वालिटी के लिए करते हैं, एडिकेट का यूज़ हम क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो उस सेंस में एडिकेट का मतलब हो जाता है गुड इनफ, उस सेंस में गुड इनफ इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं द प्रिजनर्स, द प्रिजनर्स वर नॉट गिवन एडिकेट फूड। अब ये क्वालिटी के सेंस में है एडिकेट का यूज़ यहाँ पे, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें इनफ फूड मिला है या नहीं, लेकिन उन्हें ये कह रहे हैं कि उन्हें जो क्वालिटी मिली है फूड की वो अच्छी नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड इनफ, है ना। क्वांटिटी के सेंस में अगर हम कहेंगे तो इसे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, द प्रिजनर्स वर नॉट गिवन इनफ फूड या सफिशियंट फूड, यहाँ पे भी हमें इनफ या सफिशियंट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एडिकेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज़ ना होइए एडिकेट और इनफ या इसमें सफिशिएंट में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एडिकेट का यूज़ इनफ होता है जब जबकि हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो एडिकेट का जो मीनिंग है वो इनफ या सफिशिएंट नहीं होता है, वहाँ पे इनफ और सफिशिएंट ही हमको लगाना पड़ता है, हम एडिकेट नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो एडिकेट का मतलब होता है गुड इनफ, मतलब जब अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो हम एडिकेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी के केस में हमें अगेन इनफ और सफिशिएंट का ही यूज़ करना पड़ता है, तो हम वहाँ पे एडिकेट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड नोजियम। एड नोजियम का मतलब होता है, एड नोजियम का मतलब होता है कि अगर कोई एक ही चीज़ को रिपीटेडली और बहुत ही लॉन्गर पीरियड्स के लिए बार बार करता है, और इस तरह से करता है कि उससे फिर हमें एनॉय होने लग जाता है, मतलब इरिटेशन होने लग जाता है, एनॉइंग फील होने लग जाता है, बोर फील होने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं एड नोजियम। या जैसे कि कोई भी कुछ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी काम को एड नोजियम करता है, एड नोजियम करता है तो यानी वो उस काम को बार बार कर रहा है, लॉन्गर पीरियड्स के लिए कर रहा है, और इस हद तक कर रहा है कि वो एनॉय या बोरिंग हो गया है, एनॉइंग या बोरिंग हो गया है। तो एड नोजियम का मतलब क्या हो गया, डूइंग समथिंग repeatedly for longer periods that it becomes annoying and boring, ठीक है। तो ये एड नोजियम का मतलब हो गया। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए नोजियम के अंदर एक वर्ड आ रहा है नोजिया की मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं, बट बीइंग अ साइंटिफिक बैकग्राउंड मुझे नोजिया का मतलब पता है। नोजिया का मतलब होता है उल्टी वाली जो फीलिंग होती है, यानी इंक्लिनेशन ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के लिए अगर आप फील करते हैं बार बार इंक्लिनेशन टू वॉमिट, तो उसे हम नोजिया कहते हैं। तो अगर आप वॉमिट करते हैं तो आप सोचिए कि वॉमिट एक ऐसा सेंसेशन होता है कि हम एक बार में वॉमिट करके हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ बार बार वॉमिटिंग होती है, मतलब रिपीटेड टाइम्स के लिए होती है, और फिर उससे क्या हो जाता है, हमें एनॉय फील होने लग जाता है, उससे हमें बुरा लगने लग जाता है, एनॉइंग फील होता है, इरीटेशन फील होता है। तो एड नोजियम को आप उससे याद रख सकते हैं। बाकी एड नोजियम का मतलब होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि दैट इज़ इफ़ समवन डस एड नोजियम इट बिकम्स इट मीन्स दैट ही इज़ डूइंग इट रिपीटेडली फॉर लॉन्गर पीरियड्स दैट इट बिकम्स एनॉइंग एंड बोरिंग। जैसे कि हम पार्लियामेंट का एग्जाम्पल ले रहे थे, मान लीजिए वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है जो कि अनाउंस कर रहा है, कोई स्कीम अनाउंस कर रहा है, लेकिन वो बार बार घूम फिर के वो एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहा है, मतलब उसने कोई स्कीम लॉन्च की है और उसके वो जो एडवांटेजेस हैं कि बेनिफिट्स हैं कि किन बेनिफिशरीज़ को इसका फ़ायदा मिलेगा, वो जो बताना चाह रहा है और उसी चीज़ को वो बार बार बता जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो एड नोजियम उस चीज़ को बता रहा है,
और एड नोजियम बताने की वजह से वो क्या हो गया, बोरिंग फील होने लग गया है ना। ठीक है, तो चलिए अच्छा वर्ड था ये भी, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडो। एडो का मतलब होता है कि अननेसेसरी एक्टिविटी। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, किसकी बात की हमने, एड नोजियम की। तो एड नोजियम, जो चीज़ एड नोजियम होती है वो एडो हो जाती है, वो कैसे क्या हो जाती है, अननेसेसरी, अननेसेसरी एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर है, वो किसी गवर्नमेंट स्कीम को बार बार अनाउंस कर रहा है, और उसके अनाउंसमेंट में एक ही चीज़ को वो बार बार बताया जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ही इज़ एक्सप्लेनिंग एड नोजियम। एड नोजियम यानी बार बार वो बता रहा है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए एक एडो हो गया। वो क्या हो गया, एडो हो गया। इट इज़ ऑफन क्या हो गया, इट इज़ इट पिकअप्स मच एडो अबाउट दैट स्कीम। इट बिकम्स, हम लिख सकते हैं, इट बिकम्स मच एडो अबाउट दैट स्कीम। मतलब वो अननेसेसरी एक्टिविटी हो गई है अब उसके लिए, बार बार क्योंकि वो बताया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, अननेसेसरीली एक्टिविटी उसके लिए हो गई है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, शायद मैंने 10 या 11 वर्ड्स आज आपको करा दिए। लास्ट वाले सेशन में मैंने 9 वर्ड्स कराए थे, तो 20 वर्ड्स आई थिंक ये कम्प्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ न्यू वर्ड्स इसमें सीखने को मिले होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से समझाया जाए सब कुछ। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या आपको लगता है कि सेशन दोबारा देखना चाहिए, तो आप इसे रिपीट करके दोबारा देख लीजिए। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर, देखिए जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं उन्हें यूज़ करने का आप एक आदत डालिए, एक हैबिट बनाइए अपनी कि आप उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि यू कैन से कि एडिकेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, और एक्रिड का यूज कर सकते हैं, और अक्रॉस द बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अक्यूमुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहते हैं। कोई भी चीज़ आपको लॉन्गर पीरियड्स तक तभी याद रहती है जब आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन वर्ड्स को यूज़ भी करिए, ताकि आप इनको याद रख पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।